जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं? आपको सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलिए। योग और प्राणायाम कीजिए, समय से जागिए, समय से पर्याप्त नींद लीजिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं तो हम भी स्वस्थ हैं, हम भी खुश हैं। फिर तो एक दूसरे का साथ चाहिए ऐसे में, और इस महामारी को हम जल्द ही जड़ से मिटा देंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू इसमें हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, तो जीरो ऑर्डर के लिए करा दिया था, आज फर्स्ट ऑर्डर के लिए करा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में बताएंगे हम, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई रिएक्टेंट लिया आपने और रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग में आपने 100 मोल पर लीटर ली, 100 मोल पर लीटर अमाउंट, ये जीरो बना, ठीक। अब देखिए, यहां पर टी टाइम में कुछ टाइम दे दिया, तो यहां पर ये 40 मोल पर लीटर हो गया और यहां ये कितना हुआ, 60 मोल पर लीटर बन गया। 40 यहां रह गया, 60 इधर चला गया, क्लियर। अब अगर हम यहां पर 200 मोल पर लीटर ले रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, यहां हमने 200 मोल पर लीटर लिया, स्टार्टिंग में जीरो है, उसके बाद ये डबल किया है हमने, यहां रह गया क्या 80 और यहां पहुंच गया कितना 120। अब देखिए, कंपैरिजन कीजिए, यहां ये जो है इस ये हमने क्या किया, यहां डबल किया, कितना किया, डबल किया, दुगना किया पहले के मुकाबले, और ये जो बना है ये भी कितना बना है, डबल हुआ है, डबल, समझ में आ गया। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो प्रोडक्ट भी डबल बने, यानी रेट डबल हो जाए प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। तीन गुना करें तो ये तीन गुना हो जाए, तो ऑर्डर वन होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो एक्सपेरिमेंट करके तो पता चलेगा, वैसे थोड़ी देख के बता देंगे हम थ्योरेटिकली, हाँ ये वन है, ये टू है, लगा दो टिक, लगा दो, कुछ तो होगा ही, ऐसे नहीं काम चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गया, क्योंकि देखिए डबल किया तो डबल हुआ, डबल पैसा लगाया और डबल ही मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर। तीन गुना किया तो तीन गुना हो गया, तो ये तीन टाइम, थ्री टाइम करने पर थ्री टाइम्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो पावर क्या होगी, वन, तभी तो ये आएगा। चार गुना किया, चार गुना बन गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस भी बताएंगे, ठीक। तो देखिए बच्चों, जिसको यहां से रफ करते हैं, अब देखते हैं, जैसे कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक हाइपोथेटिकल है, मान लेते हैं। वैसे तो कुछ केमिकल होते हैं जैसे NH4NO2 है या कुछ NH3 है, इस टाइप से होते हैं केमिकल। तो देखिए, जब टाइम जीरो है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, आप इसको ए मान सकते हैं, ए मोल पर लीटर, क्लियर बच्चों, ए मोल पर लीटर है। और टाइम जब टी है तो इसमें से ए माइनस एक्स निकल गया, तो एक्स ये मोल पर लीटर हो गया। आप पिछले वीडियो में मैंने आर नॉट माना था, आप आर नॉट भी ले सकते हो, यहाँ इसको आर टी भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ जीरो है तो यहाँ पर एक्स है, ए में से एक्स निकला, यानी एक्स का मतलब प्रोडक्ट की तरफ एक्स पहुँच रहा है, क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो आप क्या लेना चाहते हो, आप
अगर कहते हो कि यहाँ आर नॉट ले लीजिए, यहाँ आर टी ले लीजिए, तो भी वो ठीक है। ठीक, तो यहाँ मैं इसको आपको यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इसको हम आर टी भी मान सकते हैं, और आर टी यानी रिमेनिंग अमाउंट ए माइनस एक्स को आर टी भी कह सकते हैं, और इसको हम इसको यहाँ पर इसको और आर नॉट एम आर नॉट भी मान सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये टी टाइम पर है और ये जीरो टाइम पे है। ठीक, अब देखते हैं इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी, माइनस डी आर बाई डी टी, ये माइनस साइन होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है इसलिए माइनस साइन लगाया, इज इक्वल टू के, किस पर डिपेंड करती है, आर पर, और इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट को लगाइए, लिखिए या मत लिखिए, क्लियर। अब देखिए ये रेट कॉन्स्टेंट है, माइनस डी आर बाई, इसको मैं आर को नीचे ले आऊंगा, यहां इज इक्वल टू ये हुआ के डी टी, के डी टी, क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देते हैं यहां, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, यहां पर ऐसे इसको डी आर बाई आर, डी आर बाई आर, ठीक, और लिमिट लेंगे अभी के, इसको ऐसे लिख लेते हैं डी टी। अब देखिए यहां जो है वो है डी टी की लिमिट, टाइम का चेंज क्या हो रहा है, जीरो से टी, जीरो से जीरो टाइम है और टी तक, यहां पर जीरो टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आर नॉट ले लीजिए, यहां पर आर नॉट, आर नॉट, और यहां आप ले दीजिए आर टी, क्लियर है, आर नॉट से आर टी, यानी आर नॉट कंसंट्रेशन थी, या ए मान लीजिए, ए से ए माइनस एक्स, ए से ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो यहां, और या फिर आर नॉट से आर टी, आर नॉट से आर टी, दोनों रूप में फाइनल में मैं आपको लिख के दिखा दूंगा इसको, क्लियर। अब देखते हैं, यहां आ जाइए, ये माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है अभी, तो डी आर अपॉन आर का जो होता है, डी आर अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है नेचुरल लॉग आर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग, यानी ई बेस होता है इसका, ई लॉग ई आर, आर ये हो गया, और इसको आप इसी टाइप से लिख देंगे, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, और यहां जो लिमिट है वो भी रख देंगे, लिमिट कितनी है, आर नॉट से आर टी है, और यहां के है, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है, डी टी की जगह टी आ जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, क्लियर, तो टी है, और ऐसे समझिए आप टी है और जीरो से टी। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस लगा हुआ है साइन, यहां माइनस लगा हुआ है, अपर लिमिट इस आर की जगह आर टी रख दीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये एल एन ई आर टी, आर टी माइनस एल एन ई आर नॉट, आर नॉट, ये हो गया। अब इसके यहां ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए, इजकल टू क्या हो जाएगा, ये के टी रखोगे यहां पे, टी माइनस जीरो, तो के टी हो गया, के टी हो गया, ये इक्वेशन समझ में आ रही है। अब देखते हैं आगे, जब आप इस माइनस को इधर भेज दीजिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे ओपन कर देता हूं, इस माइनस को मैंने यहां भेज दिया, तो ये इसको हटा दीजिए, एल एन ई आर टी
इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी और माइनस एल एन ई आर नॉट। ये हो गया आर नॉट, ये यहां तक क्लियर है। अब इस आर नॉट को आप इधर भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ई आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ई नेचुरल लॉग ई और आर नॉट। ये हमने क्यों की है, ये हमने इस वजह से की है बच्चों कि इसको हम यहां वन मान लेते हैं, वन इक्वेशन कि एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ आ जाता है क्वेश्चन में पेपर में, तो उसको भी करना होता है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां इससे एक ग्राफ बन जाएगा हमारा, वो कैसा ग्राफ बनेगा देखते हैं उसको। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या है, स्लोप है यहां, तो देखिए और y एक्सिस पर ये लेना है हमको, तो ये मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, देखिए एल एन ई आर टी टाइम पर नेचुरल लॉग, फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन में याद रखना है कि यहां लॉग आता है, कंसंट्रेशन का लॉग आता है, ठीक, टी टाइम पर जो कंसंट्रेशन है, यहां टी है टाइम है और एम स्लोप क्या है, नेगेटिव में, नेगेटिव में स्लोप है, तो नेगेटिव में स्लोप को के लिए क्या करेंगे कि ये ऊपर से जाएगा और आपका इंटरसेप्ट क्या है, सी ये है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉग है, तो इस इनिशियल यानी स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन वो तो ज्यादा ही होती है, तो यहां मैक्सिमम होगी और ग्राफ ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ये टच भी कर सकता है। तो ये आपका हो गया क्या, यहां जो वैल्यू है, यहां ये जो वैल्यू है ये आर, इसको मैं बनाई देता हूं आर नॉट इंटरसेप्ट, और इसका मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है ये आर नॉट है। स्लोप क्या हुआ इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस के, क्या हो जाएगा, माइनस के इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लिया आपने। अब आगे देखते हैं, तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है आपके, और देखिए कि अगर इसी से और आपको एक ग्राफ बनाना है, इसी इक्वेशन से, इक्वेशन वन से हमने ये ग्राफ बनाया इसको इधर ले जाके, तो क्या होगा, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या ये है, अगर वन से इस माइनस को मैं इधर ले आऊं, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, सीधा सीधा इसको ही देख लीजिए, ऊपर वाले को देख लीजिए, या तो यहां माइनस आ गया, ये वाला जो माइनस है यहां पे आ गया, तो इसकी माइनस की पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और माइनस की इसमें प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लूं, तो क्या हो जाएगा, एल एन ई आर नॉट माइनस एल एन ई आर टी इज इक्वल टू के टी, क्लियर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, एल एन ए माइनस एल एन बी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये एल एन ई लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या हो जाएगा, लॉग ए आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू के टी, ये इतना क्लियर हुआ, इसके नीचे ये आ जाएगा आर टी। अब देखिए इसको यहां से मैं हटा देता हूं और ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम प्लस जीरो लगा सकते हैं यहां, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, दो टर्म है एम एक्स एम और एक्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये एल एन ई आर नॉट माइनस अपॉन ये आर टी और वाई एक्सिस पर टी ले लेंगे, तो ये जीरो एम एक्स वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम क्या है, ये सी है इंटरसेप्ट, यानी जीरो से जा रहा है, ये जीरो यहां पे है, ऐसे जाएगा ऊपर की ओर। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, के जो स्लोप है वो पॉजिटिव है,
तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू के, ठीक है, समझ में आ गया। और इंटरसेप्ट ये जीरो हो गया, जीरो से जा रहा है। तो ये भी ग्राफ देखिए फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आ रहा है, ये इसको याद रखना, क्लियर। अब इतना क्लियर है, यहां से इसको हम अब हटा देते हैं। अब देखते हैं और कौन कौन सी इक्वेशन इसमें बन सकती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसी इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मान लो आप दो दो इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन टू, टू से क्या होगा के निकालना है हमें, रेट कांस्टेंट निकालना है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था इसके लिए भी। के इज इक्वल टू इस टी को इसके नीचे भेज दीजिए या इसको देख लीजिए कैसे भी, ठीक। टू मान लीजिए, इसको थ्री कर लीजिए, इसको थ्री, और यहां फ्रॉम इक्वेशन थ्री कर दीजिए, तो के जो है के नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो वन बाई टी एल एन ई आर नॉट बाई आर टी, ऐसे समझिए कि जो टी है ये तो जीरो है, इसका तो कोई, हमने तो कंपैरिजन किया था बस, इसका कंपैरिजन किया था ग्राफ बनाने के लिए। अब इसको हम यहां से हटा सकते हैं, ठीक। तो टी को हमें नीचे भेजना है, तो नीचे इसके नीचे आ जाएगा, यानी वन बाई टी हो गया। अब ई को हटाना है, लॉग टेन में चेंज करना है, क्योंकि सारी वैल्यू आपकी लॉग टेन में ही दे रखी है पीछे। तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू लॉग ई को लॉग टेन में चेंज करेंगे तो आगे आता है 2.303 बाई टी लॉग टेन आर, और यहाँ क्या था, आर नॉट था, आर नॉट बाई आर टी, ये हो गया। ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है, के निकालने के लिए, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और जब अगर आप, और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2.303 बाई टी लॉग 10 ए, अगर ए मानते हैं और ए माइनस एक्स, ये रिमेनिंग है, तो ए माइनस एक्स आर टी के बराबर है, यानी एक्स निकल के जो बच गई एक्स प्रोडक्ट की तरफ चली जाती है, तो ये दोनों एक ही हैं, या तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, ठीक है बच्चों। ये इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें, फिर हम कुछ और टाइप की इक्वेशन इसमें बताते हैं कैसे बन सकती हैं वो, ठीक है, नोट कीजिए। अब वो देखते हैं, इसको हटाता हूं यहां से, ये टाइम है, टाइम निकालना हो आपको तो टाइम निकल जाएगा, के को यहाँ पहुँचा दीजिए, इनिशियल निकालनी हो कंसंट्रेशन तो इनिशियल निकल जाएगी, टी टाइम पर निकालनी हो तो टी टाइम पर निकल जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यही फायदा है, ठीक। आगे देखते हैं इसको यहाँ से मिटाने के बाद, तो अब देखते हैं बच्चों इसमें अभी कुछ और फॉर्म देखनी है, जो कि कंपटीशन में भी आ जाती हैं, और फॉर्म कैसे देख सकते हैं हम। जैसे ये वाली इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन है ये वाली, ठीक, इस वाली इक्वेशन से देखिए क्या लिख सकते हैं हम, कि अगर T1 और T2 हमारे पास दो टाइम हैं, T1 और T2 दो टाइम हैं, तो यहाँ T1 कर सकते हैं, यहाँ T1 आ जाएगा और ये सेम रहेगा, इनिशियल तो सेम रहेगी, तो दो टाइम हैं हमारे पास, ठीक, एट T1 टाइम पर क्या हो जाएगा, एल एन ई आर T1 इज इक्वल टू माइनस के T1 प्लस ई आर नॉट एट T2 टाइम पर देखिए एल एन ई आर टी टू माइनस के टी टू प्लस एल एन ई आर नॉट, ये हो जाएगा आर नॉट, समझ में आ गया। अब इसमें से इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे क्या होगा, एल एन ई आर टी वन माइनस एल एन ई
आर टी टू इज इक्वल टू, इसमें से जब इसको माइनस करोगे आप तो क्या होगा, देखिए माइनस करने पर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस के टी वन, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें माइनस में होगी तो क्या हो जाएगा प्लस के टी टू, ठीक। और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा, ठीक है। यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखा जा सकता है यहां के कॉमन ले लिया टी टू माइनस टी वन, टी टू पॉजिटिव है माइनस टी वन, और ये हो जाएगा आपका एल एन ई आर टी टी वन अपॉन आर टी टू, ये हो गया यहां पर क्लियर है। अब देखिए और इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं हम, और इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, इसको यहां पर ले आइए, यानी वन बाई वन बाई वन बाई, ये हो जाएगा आपका वन बाई टी टू माइनस टी वन एल एन ई आर टी वन अपॉन आर टी टू, ये हो गया यहाँ इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन बन गई, यानी के बराबर आप टी टू माइनस टी वन दो टेम्परेचरों पे अगर पूछा है तो वो उसको लिख सकते हैं कि टी वन टेम्परेचर पे जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे, टी टू टेम्परेचर पे वो यहाँ पर, तो ये एक इक्वेशन आपकी यहाँ बन जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके समझ में आ रहा है, और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर इसका एंटीलॉग लेते हैं, इसका अगर आप एंटीलॉग लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ये e की पावर में चला जाएगा, यहाँ से ये तो हट जाएगा तो ये e की पावर में पूरा ये चला जाएगा, ठीक। तो वो भी एक इक्वेशन आपकी बन जाती है, फॉर्म और है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इसको रफ करने के बाद मैं उसी से बताऊंगा आपको एक फॉर्म को, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखते हैं यहाँ, जैसे इसको रफ करने के बाद ये देखिए, यही इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एल एन ई आर टी अपॉन अपॉन में आर नॉट, आर नॉट हो गया एल एन ए माइनस एल एन बी इजिकल टू माइनस के टी, एंटी लॉग लीजिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, एंटी लॉग केवल यही लिख दीजिए, टेकिंग एंटी लॉग दोनों तरफ ही है, ठीक। तो इसका एंटी लॉग लोगे तो यहां से लॉग खत्म हो जाएगा ये, और यहां हो जाएगा इसका एंटी लॉग हो जाएगा, तो क्या होगा ये आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू ई की पावर एंटीलॉग है माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी, ये हो गया क्लियर यहां। तो ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो मैंने आपको यहां बता दिए हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस और अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन, N2O5 का डिकम्पोजिशन, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, याद रखना जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो या तो आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाए, नेचुरल तरीके से कराया जाए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो सब कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाफ लाइफ पीरियड बताएंगे इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।